बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलीकल हुज्जत इब्न अल-हसन अलैहि सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबिही फि हाज़िहि सात व फि कुल्लि सात मिन साते लैल व नहार वलियन व हाफिज़न व कायदन व नासिरन व दलीलन व ऐना अतात उसके नहू अर्ज़कत वन व तुमते अहू फीहा तबीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद या काशिफल करबेन वजहिल हुसैन अलैहि सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बेहके अखी कल हुसैन अलैहि सलाम। या बाबुल हवाइज या हिजाबा उम्मल मसाइब या अबल फजलिल अब्बास अलैहि सलाम। मेरा अल्लाह बेहके जनाब सैयदा मजले से अजानों कबूल फरमा। बरगाहे शबीर तमाम अहबाब दा शिया सुनी सहबान दा मोमिनीनो मोमिनात दा टुर के आया हर कदम ते अजरे अजीम अता फरमा। बानिया ने मजलिस बानिया ने सफे अजा सादा तो जाम दे रिज कुमाल जान औलाद वुसत अता फरमा। दुआ है के नाद खालिक आगा साहब नो सेहत व सलामती अता फरमा। इस घर नो इस खानदान नो ता कयामत आबादो शाद फरमा। इस खानदान दे जितने मरहूमीन दारे फानी तो टुर गए मालिक दरजात बुलंद फरमा। जड़े हाजिर बैठे न बीमार इन तो सेहत कामिला अता फरमा। बे औलादिन झोलियाँ आबाद फरमा। आखिरी दुआ है हर शिया हर सुनी हर आजादार हर मातमी ते वाजिबे जितने दस्ते दुआ जितने दस्ते दुआ बुलंद हो सकिन जितनी बुलंद अमीन आख सगो मालिक मुश्किल वक्ते नाजिक दौरे हादिये बरहक हुज्जत दौरान इमाम उल असर इमाम ज़मन द जल्द ज़हूर। रब सले आला मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। जिक्र पाक दी कबूलियत वास्ते बारे दीगर सारे अबा मिलके बावाजे बुलंद सलावात पढ़ोगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आखो तो बादशाहां दा एक फरमान पढ़ा चा इजाजत है सारियां दी। बाबा हबीब शाह जी मासूम ते किसे बंदे सवाल कीता मासूम तू किसे बंदे पूछया मौला ए दसो दुनिया ते कंजूस कौन होंगे। दुनिया ते कंजूस कौन होंगे। कंजूस की तारीफ क्या है कंजूस की डेफिनेशन क्या है। मासूम फरमाया याद रख अल्लाह दी इस पूरी कायनात उस बंदे तू बड़ा कंजूस कोई नहीं जेंदे सामने असा चौदह का ना वे ते सलवात कंदा पेशानी ना सले आला मोहम्मद आले मोहम्मद। अगर महसूस न फरमाओ सादात उजाम दे मरहूमीन दे दरजात दी बुलंदी वास्ते भी एक सलवात दी तिलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा ख्याल है चार मरतबा तुस सलवाद पढ़ लीए तो पंजा दे मनन वाले एक सलवाद हरी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली अलैहि सलाम 16,000 कुरान दे खत्म द सवाब मिल दे
उस बंदे नूं जिहड़ा बंदा एक दफा नामे अली च देखो, मैं नावल नहीं खड़ा पड़ा, हबीब शाह जी मैं नावल नहीं पढ़िया, ना मैं कोई अफसाना पढ़े। बजड़े बंदे हैरान हो के सुनते बैठे, भाई कोई ए आर रवायत है या जियो चैनल ते कोई पट्टी चलती पई आई ते उत्थों पढ़ के मैं तुम सुनवेंदा खड़ा नहीं। साडे मजहब की बहुत बड़ी किताब है बिहार उल अनवार, ना सुने ना किताब, बहुत बड़े राइटर हैं मुहम्मद बाकिर मजलिसी, उन्हें एक रवायत नकल की थी है छेवें इमाम तू जो मौला फरमाया, पढ़ लो सलवात मिल के पढ़ो चो अल्लाहुम्मा सल्ले अला। उन्हें लिखे जो छेवें बादशाह फरमाया जेड़ा बंदा मेरे दादे अली दा ना एक दफा चावे, कितनी दफा चावे, इमाम पे आ देने भाई जेड़ा बंदा एक दफा खे या अली, सरकार फरमाया या अली दी ये पिछे खत्म हो सी, अल्लाह उस बंदे दे नामे अमाल च 16,000 कुरान दे खत्म दा सवाब दर्ज कर सी, मुल्ला दे पढ़े हो नहीं या छेवें इमाम पढ़े हो से नहीं या मेरे दादे अली पढ़े हैदरी। अच्छा जी ना या अली नहीं आखिया, इस तो वड्डा सवाब है किसे अमल दा, बोलो तो सही। मैं मशकूर जी में तेरी जिंदगी होवे बाबा हबीब शाह जी, 5 जून मजलिस होंदी है डुडयाल चौधरी जंग मरहूम दे साले सवाब दी, वो मैं उत्थे आगा जी उत्थे मैं फरमान पढ़िया, उत्थे एक स्टेट सैकटरी है ना बुजुर्ग बाबू कोई अगे ना उन्हों का हाई स्कूल दे हेड मास्टर रिटायर्ड शायर भी हैं, वो मैं फरमान पढ़िया तो खड़े हो गए, उन्होंने कहा शाह जी एक फरमान इसे मौला दा मैं भी सुनवावा, मैं आखिया जी सुनवाओ, मैनू आखिया भी इसे मौला दा फरमान है भी जिहड़ा बंदा कुरान दे एक हरफ की तिलावत करे, लफ्ज नहीं हरफ, लफ्ज होर होंदा है, जिहड़ा स्कूल गए तईद करो मेरी गल दी, 2-4 हरफ मिलन तो फिर भाईजान एक लफ्ज बनता है, मैनू आखदा है भाई इसे मौला दा फरमान है ब जिहड़ा बंदा कुरान दे एक हरफ की तिलावत करे अल्लाह सवाब देंदे 10 नेकियां, जिहड़ा हाजिर बैठे जिहड़ा बंदा कोई शे मजलिस चू लवण आंदे ते ब जिहड़ा आंदे जा मल के ते शामी लगा गया उदा अपने सिस्टम ही अपने उदा नसीब ही अपने, मैनू आखदे जी इसे मौला दा फरमान है जिहड़ा बंदा कुरान दे एक हरफ की तिलावत करे अल्लाह सवाब देंदे 10 नेकियां। मैं कह जी आखना के चाहते, मैनू आखदे जी मैं कुरान दे हरफ भी गिने न, मैं कुरान दे लफ्ज भी गिने न, मैं कुरान दियाँ आयात भी गिणियां, मैं कुरान दियाँ सूरत भी गिणियां, फिर मैं ज़रब दिती है 16,000 नाल, मैनू आखदे 72,53,00,53,00,00 53,000 नेकी मिलती उस बंदे नूं जिहड़ा बंदा एक दफा दे या, बोलो तो सही, याद हो जा हैदरी। ओ खुदा दे बंदे जरूरी नहीं मजमा ढेर होवे तो मजलिस होंदी है, तुसा मैनूं परेशान परेशान लगदे पए, जरूरी नहीं भी 1,000 बंदा बैठा होवे तो मजलिस होंदी है, ए मियारे मजलिस नहीं मेरे नज़दीक तो कोई नहीं, तो जनाब का मैनू नहीं पता, बाबा जी बंदे थोड़े होवन मगर मुखलिस होवन, ठीक है ना, थोड़े होवन शिफाफ होवन खलूस वाले होवन अकीदे वाले होवन, ये चाचा मैं इंजा कजमला जरा सोना लग सी, थोड़े होवन मगर बादशाह अली नू मनन वाले होवन सोचन वाले, बोलो तो सही, हाँ तो जा हैदरी, होवन मनन वाले हैदरी, सोचन वाले ना होवन मनन वाले,
ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਮਮ ਬੁਕਮਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਮਿੰਟ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਸੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੱਖਰ ਹੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਸੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣੇ ਬਈ ਦੀਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਬਈ ਲਾਇਕ ਰਹਾ ਫਿਰ ਦੀਨ ਜਬਰ ਦੀਨ ਤੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਲਫਤ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਨਾਵਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਐਸੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਦਲੀਲ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਚੋਖੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰ ਹਲੋ ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤ੍ਰੈ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹਨ 70 ਬੰਦਾ ਹੀ 72 ਬੰਦਾ ਹੀ ਯਾ ਮਜਾਲੇ ਸੁਲ ਮਰਜ਼ੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੁਸੈਨ ਬਖਜਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ 127 ਬੰਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਰਵੇ ਤਾਂ 70 72 ਜਾਂ 100 ਹੁਣ ਸਿਰ ਹਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾ ਕੇ ਤਾਈਦ ਕਰਨੀ ਬੈ ਪਾਸੇ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਬਈ ਕੁੱਤਾ ਪੜੋ 90,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9,00,000 ਤੱਕ ਤਾਦਾਦ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 9,00,000 ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 72 ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਕਿਰ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੋਮਿਨ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਔਖਾ ਮੋਮਿਨ ਤੂੰ ਜਾ ਛੁੜਾਵਣੀ ਇਹ ਬਹੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰੋ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਘਰੋਂ ਆਵਣਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਬ ਬਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਬ ਚੁੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜੇ ਘਰੋਂ ਆਵੇ ਵੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਵਾਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੋ ਆਵਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਗਰੀਬ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿੱਛਾਂ ਬਸੂ ਅਤੇ ਬਚਵੇ ਸੂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਕੋ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਫਕੀਰ ਸੈਯਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਇਤਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਂਦਾ ਲੰਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 3 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਣ ਕੜਾ ਪੜਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਗਾਇਸ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਏ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿਕਰੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਤੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਹੀ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮਾਮ ਬਾੜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਬਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਵੱਖਰ ਇਮਾਮ ਬਾੜਾ ਮਾਈ ਖੰਡੋ ਇਹੋ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਕਿਬਲਾ ਸੈਯਦ ਆਗ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਕੁੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਾ ਖਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਪੀਰ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ ਜੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਹਿੰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ਫਕਤ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਫੇਲ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਦਾ ਸਾਦਾਤ ਬੈਠੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹਨ ਜੀ ਬਖਰ ਦੇ ਹਨ ਅਮੀਰ ਹਨ ਗਰੀਬ ਹਨ
खान अन मलिक अन चौधरी अन सैयद अन मैनू कुरान की कसम इत्थे बोलसे ते मेरी सत्तर दा हक अदा हो सी। 1400 साल पहले एक मजलिस होई मदीने पाक के इमाम बाड़ा हई मस्जिद नबवी सटई सेक्टरी हई सलेमान फारसी मजलिस दबानी हई अल्लाह जाकिर हई मोहम्मद मुस्तफा जेडे सिर बैठे हलें दियो मौजू हई विलायत अली इब्न अबी तालिब। बोलो ते बोलो ते अलीयन अली नबियां दे अलीयन वलीउल्लाह हैदरी बंदे शाह जी आखिरी गल पे करदा तुहाडा तवज मुंतजर हां तवज्जो सी मैं सत्र मसाहिब दी पढ़ के मैं चला जासा सफर बड़ा करना है। बंदे छेवें इमाम तो पूछे मौला तुहाडे नाने नबी दा फरमान है जो अली दा जिक्र इबादत है फरमा बिल्कुल मेरे नाने दा फरमान है। अच्छा मौला जिहड़ा जिहड़ा बंदा जिक्र अली सुनदा है विलायत अली समात करदा है को उसनु आजर भी है ये कोई ना उसनु को सवाब मिलदा है। खुदा दी कसम मशकूर मैं अखण किताब पढ़े फतह बसमा इमाम दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई फरमाया गारंटी तू दे जमानत तू दे बंदा मेरे दादी अली दी फजीलत सुन के विलायत सुन के इतना उच्चा बोले उसकी आवाज सत्तर कदम ते पहुंच वे फिर याद रख मैं इमाम गारंटी दे रहा मैं इमाम जमाना दे रहा कब्बारे च सवालो जवाब दे दौरान उसकी जगह ते या मैं बोले सा या मेरा दादा अली इब्न अली। बंदा बोले अच्छा वेच ही को मुकरू बैठा ही मुकरू समझे दे ओ मुकरू ये दो चार दाने हर जगह ते होंदे तुसा नाराज हो गए ओ भाई साढ़े 24 घंटे ही काम नहीं दो चार दाने हर जगह ते होंदे जेड़े सिर्फ सुनन नहीं आंदे वादने में जाकर कितों वादा घाटा करे। खुदा दी कसम फजीलत अली पढ़ के निकलिए ना भाई 7 मिनट बाद बंदा गड्डी चो पिछू फोन आ जा सी जी शफकत शाह बोल दियो जी हाँ जी अज रे वह तुसा पढ़ीए कितों पढ़ीए उसनु टेंशन रिवायत दी नहीं उसनु टेंशन है भाई अली दे फजाइल इतने वड्डे मौला क्या बंदा बोले ते मुकरू खड़ा हो गया उसा क्या सरकार गल बड़ी चंगी कीती ने बंदा बोले ए बोले ता जी जबान होवे ता भाई मेरी जबान है ता बोलता खड़ा तुहाड़ी जबान है ता भाई बोल सी ता जबान ते बंदा गूंगा है भाई मां की शिका में बाहर है स्पीकिंग पावर है ही कौन ते गरीब की कबर औखी हो गई चाचा कुरान की मैंने कसम है हर शिया का हक बन दे सोने की कलम नाले फरमान बादशाह लिखावे घर लटका देवे सुबह उठे बच्चियां उठा के पहले फरमान पढ़ावे पिछे नाश्ता देवे ते पिछे स्कूल भेजे मौला फरमाया नहीं बोल सकता उस वास्ते होर सौखा चक्कर दिया बंदा मेरे दादी अली दी विलायत सुने फजीलत सुने फिर एक लम्हे वास्ते मुस्करा पवे उस दे एक लम्हे दा मुस्करावना 6 माह दी तहज्जुद नमाज दे वक्त पुत्र कफन मंगता रहा धी चादर मैं पहले आख्या जाकरी नहीं बानी दी हैसियत हाजरी हो गई तो सोहनी हो गई बिस्मिल्लाह आज है अर्शवाल तुझे बैनर पड़े इन हिदाम जन्नत साड़ी पंजाबी मैं ही समझावा तो तुम चौकी समझ आ सी मुसलमाना बतोल दी कब्र नू शहीद मैं सोचता खड़ा शहादत मैं नहीं पढ़नी आखिरी बंदे दा हक ओ पढ़ सी
मैं चपड़ना जी मेरी मजबूरी ना हो आता। मैं पहले आखे घर है साडा, हाजरी जरूरी आई, शहादत आखिरी बंदा पड़सी। मैंने कुरान की कसम बाबा हबीब शाह पूरा महीना कम अज कम 30 मजलसा होवन ते मैं हकीर न पढ़निया पवन। मैं 30 दिन कम अज कम एक एक घंटा मुहम्मद की धी का दुख पढ़ा। चलो मैं ज्यादा ना पढ़ सके, ये मेरे अपने मैनू पता है, मैं मुतमैन हाँ कम अज कम 30 मजलसा इस बीबी के दुखों से पढ़िया जा सकती। मैंने हुसैन के नाते दसो या को गरीब तू गरीब भी होवे ते उसके सामने उसकी धी नू कोई मारे। को बर्दाश्त कर दे कोई नहीं कर दे। चलो मैं मिसाल देवा तेन जरा जल्दी समझ आ जासी। ये पर्दे बैठिया मेरिया मावं भी बैठिया, बहन ही बैठिया, धीया ही बैठिया। मजलिस खत्म हो जाए मशहूर इसे गली च किसी की धी नू कोई तमाचा चमारे, नाल पुत्र होवे बिरा होवे चाचा मामा माफ कर सो। वन लिया कुरान में सर ते चा देना, इस घर दिया त्राए धियां ऐसिया गुजरिया जिन्होंने मुसलमान इतना मारे है बीबिया मौत वास्ते दुआ मंगनी शुरू। भला होवे जिन्ना है कीते। मैं किस घर दिया त्राए धियां शाह जी ऐसिया गुजरिया जिन्होंने इतना मारे ने बीबिया मौत वास्ते दुआ मंगी। चलो एक जुमला मैं तफसीलन, थोड़ा जा टाइम है 2 या 4 मिनट का, एक जुमला मैं तफसीलन उदे बाद एक वैन बादशाह दे जाकरां दे हवाले में बरक। त्राए धियां पहली धी है मुहम्मद दी, उम्र 18 साल, दुआ मौत दी। दूजी धी है अली दी, उम्र 53 साल, यस 57 साल, दुआ मौत दी। हुण मैं नहीं पढ़ना, मैं तुहाड़ी जबानी सुनना, तुसा मैनू दसना। त्रीजी दी कहिंदी उच्चा बोलो हुसैन दी, कुरान दी कसम है मुहम्मद दी धी दी उम्र 18 साल, अली दी धी दी उम्र 53 साल, हुसैन दी धी दी उम्र 4 साल, टुरदी सोटियां दी टेक ते ते रो रो के वदिया दी अल्लाह मैनू मौत दे मेरिया हड्डियां पौणी पौणी। लंबी जिंदगी उन्हें आगा साहब सरमाए कौम मालिक उन्होंने साया साढ़े सर ते कैम उदैम रखे। खुदा की कसम चा के पेना बहुत बड़े मसैब खान भी हैं, असा इन लोगों सुन सुन के जाकरी शुरू की थी। मैं मौला दी कसम खुश आमद नहीं खड़ा करदा, मैं 4th क्लास शाह जी पढ़दा हूँ। आगा साहब साढ़े पिंड पहली मजलिस, अल्लाह दरजात बुलंद करे मेरे दादा मरहूम दे, उन्होंने बरसी आई तो आगा साहब पढ़िया तो मैं उस दिन तो आगा साहब की जाकरी का कह। जाकर तो खैर हर कोई वड्डा होंदे, बंदा कोई कोई वड्डा होंदे। खुदा दी कसम अजीम सरमाए इंसान बहुत बड़े अच्छे, मौला दे मदा खान बहुत बड़े अच्छे। उन्होंने सामने मैं के पढ़ना है, मैं तो अपनी ड्यूटी देनी है ना, त्राए धियां मौत दी दुआ। अच्छा दुआ मंगण दे फकत 2 तरीके नमाजी बैठे हो मेरे सामने, 2 तरीके ने मेरा वीर दुआ मंगण, तीसरा तरीका ही कोई नहीं। अगर कोई होवे तो बेशक मैंने दसो भी शफकत शाह गलत क्यों खड़ा पड़। 2 तरीके हर नमाजी हबीब शाह जी मुसल्ले ते बह के 2 तरीके नाल ये हाथ मिला के ये हाथ खोल, को है तीसरा तरीका। वन ले आ कुरान मैं तेनों सर ते रख देना, शहर हई मदीना वेड़ा हई अली दा, पेशी दी गिरजी नमाज पढ़ के मुसल्ले ते बह के हुसैन दी अम्मा इन दुआ बैठी। मैं आया ही नहीं वो बंदा जिस हूँ आए नहीं की, एक हाथ पासे ते आई एक दुआ द बुलंद कर कदी अल्लाह मैनू जल्दी मौत दे मैं थक पई हाँ। मरहबा 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 भला होवे धियां दे परदे हो नहीं, बस इसे सहन दे के दुख पड़ना, इसे एक दुख पड़ना, शहादत नहीं एक दुख पड़ना, जख्मी बतूल
कुछ ऐसा गल् आ किताबा लिखिया पे मुताले चे डर तो कुरान की कसम ना पढ़ते लोग सुनते नहीं बर्दाश्त नहीं करते। एक रवायत बार बार मेरे जहन चाहती खड़ी है, एक दिल आते पढ़ा चाह एक दिल आते ना पढ़ा। जाओ बन के आगा साहब तू पुछ लो भी थोड़े पुत्रां दी जा है थोड़ा अजीज है रवायत गलत पढ़ी या ठीक पढ़ी। मशहूर जनाबे फिजा तू मदीने की एक औरत हबीब शाह जी पुछया तैं काफ़ी अरसा हुसैन की माँ की खिदमत की है दसा सकती है हुसैन की अम्मा की जिंदगी के आखिरी दिन किवें गुजरे। फिजा मुँह ते मातम कर कभी ना पुछया तो चंगा मदीने के किसे मुसलमान एडे जोर की चाट मारी आई बतू जितने तई हुसैन की अम्मा जिंदा रही है सजी अखी चू बतूल नजर आखरी वक्त है ना बीबी का खत्म आखरी टाइम बीबी का है इंज सजे पुत्र बैठे इंज मेरी सहन दी खबे शाजी धीं बैठी उस धी की झोली मेरी सहन दा सारे जैसे बिरा अठारह ते कबर वतन ते न बन सके समझ गए हो ना आली हसैन दी झोली बादशाह अली घारे चाहे ते बीबी पाक फरमाए या अली अज रात मेरी जिंदगी दी आखरी है मेरिया चंद वसीतन अमल हो सके तो मेहरबानी ना हो सके फिर भी मैं बतूल नाराज कोई नहीं। अली फरमाए बतूल दसो केड़ियां केड़ियां वसीतां ये मेरा मिंबर ते वाद है जेड़ा बंदा दे भी डेढ़ बजे मजलिस शुरू हुई है ते मैं आया मेरे मुंह चू हाय अजा भी नहीं निकली मैं तेरी हाय पिंदा परदी आली सैन तुझे हाजिर बैठे था पहली वसीयत दसो ऐसी वसीयत बतूल आखिए कुरान की कसम दिल कर दे टकरा मार मार शिया मर जावे ठंडा सा बरका दिए बतूल मिन्नत कर दिए मेरे जनाजे चो ना आवे जिन्ना मेरे घर न अग लगे। वाह भाई वाह मेरी दूजी वसीयत हाँ मेरी दूजी वसीयत गल लंबी हैं मैं पहले आके त्री मिल सपड़ियाँ जा मैं दूजी वसीयत मेरे बाद शादी करें त्रीजी वसीयत घर थोड़ा अपने मना नहीं कर दी जरूर आवें कोशिश करें दिन थोड़ा रात ज्यादा दिन आमनो भी तो पहले इन्ना माँ की आयत पढ़े जो मेरी ज़ैनब नू शर्म बड़ा आंदे। अली फरमाए ठीक है बतूल अगली वसीयत या अली मैनू गुसल आप देवे या अली मैनू कफन आप देवे या अली मेरा जनाजा राती जावे फरमाया ठीक है बतूल आखा सत्र जिहड़ा अजा है नहीं कर सकया बतूल आदी या अली मिन्नत कर दियाँ मेरी कब्र हिक न बनावे मेरिया कब्रां ढेर बनावे बत निशान मिटा देवे मैं डरी वदिया मत मुसलमान मेरी कब्र दी तौहीन न करे पर मैं ठीक के बतूल या अली हर रात मेरी कब्र ते आवे हर रात ना सगो हर शबे जुम्मा जरूर आवे या अली मेरी आखरी वसीयत है मेरे हुसैन नू त्रे बड़ी लगदी मेरे हुसैन नू प्यास अद्धी अद्धी राती बिस्तर ते उठी बंद है अखा बंद होंदी हाथ बधा के दे अम्मा पानी दे या अली मेरे हुसैन की त्रह का ख्याल करें मैं इज्जत बतूल की कसम मेरा बिरा सारिया वसीयत बीबी करती रही अली सुनते रहे जे हुसैन की त्रह का नाम आया ना जिमें माँ की कंड पिछे बैठी आई शाम की मुसाफरा ठंडा साबर कदी अम्मा सारिया वसीयत जाने न बाबा अली जाने हुसैन की त्रह जाने मैं वाह भाई वाह वाह वा, जोड़ा है भाई बखर के लोग तो जोड़ा है बिस्मिल्ला चाचा हुसैन दी तस जाने मैं ज़ैनब जाने जिथे पानी मंगसी मैं बिरा नू पानी दिसा टुर गई बतूल रात दे परदे बात मैं छोड़ दी थी जी रात दे परदे अली बतूल दी कब्र बनाई निशान मिटाया पहली रात बतूल दी कब्र च अली घर जिले रात ढली ना फिर बैन आया हाय गरीबी अली ठंडा साबर के फरमाया फिजा गुरबत दैन की तई खैरे या अली हुजरे चाहो ना आओ वेखो हसन भी सुता है आलिया भी सुती हुई है उम्मे कुलसूम भी सुती हुई या अली मैनू हुसैन नजर नहीं आता जिड़ा थका बैठे मैं कोई नाराजगी नहीं बेशक उठी जावे बहर चला जावे पानी पीवे सबील करे हाय करे तो मजलिस बह जा
या अली मैनू हुसैन नजर नहीं आंदा। अली फरमाए मैनू पता है हुसैन किथे हो सी। अली बतूल दी कब्र ते आवे ना हबीब शाह जी, हुसैन मां दी कब्र नाल इंज सुता है जिवें मां दे पासे नाल लेटदाई। ठंडा साहब वरगे दे अम्मा तेरे बाद हुसैन नू नींदर नहीं आ। वाह भाई वाह। चल धीआं ते भैणां दे पर्दे हो नहीं, बस खत्म जाते। मैं ज्यादा पढ़ गया, ज्यादा पढ़ गया। ऐ खुदा गवाह एक रात अली कुरान पढ़ते बैठे ते भाई जी बतूल दी कबर हल गई। मेरे मौला दस्ते मामत रखिया यादगारे रसूल कबर च आराम नहीं आंदा। ऐ जुमले तू तकड़ा हो बो मैं तेरे जिगर जो हांज कटसा। खुदा दी कसम सत्तर एडी औखी है। जिले अली आखे ना बतूल कबर च आराम नहीं आंदा, इंज मेरी सैन दी कबर हली ते विचों आवाज है या अली। मैं आख्या लाई मेरे सकून दा नाम हुसैन है। या अली तुसा कुरान बैठे पढ़ते हो, मेरी ज़ैनब सुती हुई है, मेरा हुसैन बिस्तर ते उठी के हाथ बधा के आते बैठे, अम्मा पानी दे मैनू त्रे खा गई। या अली मिन्नत लाओ बन्यो मेरे हुसैन नू पानी दियो। मैं तां चैना सी अली कुरान बंद किया। शाह जी अली घर आले पासे तुर पे हक बनदाई। अली उदे आवया जिदे हुसैन पानी बैठा मंगदा। अली पुत्र आले पासे नहीं गए, उदे आए जिथे शाम दी कै दिन बीबी बिस्तर ते आराम पे कर दी। अली बोले नहीं जुबान नाल, अली धी दा ना नहीं चाया। मेरे मौला झुक दे झुक दे। हबीब शाह जी इस तो बड़े जुमले नहीं हो सकते। अली झुक दे धी दे चेहरे ते झुके। तारीख आ दी है मेरे मौला रोमना शुरू किया। गर्म हंजू मेरे इमाम दिया धी दे चेहरे ते आईया। इन तड़प के उठी डिठा ता बाबा रोम आदि कदान रोए मैडा नबिया का मुश्किल कुशा बाबा रोंद क्यों। अली रो के फरमेंद्र ना बोवे याद कर तेरी माँ का आखिरी टाइम आई तेरी माँ कई हुसैन उतरे गुम लग दी आई ते वादा की ताई जाग बेरा पानी बैठा मंग दई। आए तक कर भला हुई ए में आ रहे ए में आ रहे जाग बेरा पानी बैठा मंग दई। बंदा मैं वेखने हबीब शाह जड़ा जई मातम नहीं कर सकता। अल्लाह दी कसम है जाम पानी दा भर के बिरा दे सामने आ गया दिए शबीर जड़ा समणा ज़ैनब सामने। थक नहीं थक नहीं थक नहीं। हौसला 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 बड़े हौसले नाल बड़े तहम्मुल नाल मैं तो वैन का जाम पानी दा भर के आ दिए शबीर जेड़ा समना ज़ैनब सामले। बीबी आदि आज दे बाद जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी जवानी रज बने हजार दफा खा रो रो के आदि शबीर जेड़ा समना ज़ैनब सामले। मैं ताके कौम थकी बैठी लेकिन नहीं शिया नहीं थक दिया दिए जी भाई हजार हाथ ना जोड़ो हाथ ना जोड़ो हाथ ना जोड़ो मेरी तनौकरी है बिरा दे सामने जाम पानी द भर गया दिए शबीर जेड़ा समना ज़ैनब सामले। आज दे बाद वादा करे निया ना समसां जिथे पानी मंगसे भैन पानी देसी। आज जड़े हल्के तो मातमियों आली अली गल मुकी है अली दा मामा जमीन दे डठे धी दे सर ते बोसा दे के आदन ज़ैनब वादा न कर अमीर गरीब होवे शरीफ उजड़ वेंदे न हो सकदे कोई वेला आवे हुसैन पानी मंगे मातम सोना लगता है मारो हसीने ते भला होवे हजार दफा का हजार दफा दिन वादा न कर अमीर गरीब होवे दे शरीफ उजड़ वेंदे हो सकदे कोई वेला आवे शबीर पानी मंगे ते तू मजबूर होवे। आदि नहीं बाबा तैं जे इमाम दी धीआं हुण दस्तूर बनायस
आज रात बाद दस्तूर बनायस एक जाम सजियों भर रखे एक जाम खबियों भर रखिया हुसैन सजाद वधावे सजियों जाद खबा वधावे खबियों जाद हबीब शाह जी कम अज कम एक घंटे के मजमून में छोड़ दिते बाबा टुर गया हसन फिराद जनाजे ते तीर लागे 28 रजब आई शबीर मदीना पे छुड़े लाई बहन शरबत बना के ले आदि शबीर जित्रे लगी आई तब बहन शरबत रह आई आई मिंबर दी कसम है दो मुहर्रम करबला ये दुआ मंगदी रही है मेरा अल्लाह इंशाल्लाह पानी मंगे मैं बिरा नु पानी देवा हबीब शाह त्राए मुहर्रम दुआ मंगदी रही है चार मुहर्रम पांच मुहर्रम छह मुहर्रम तक दुआ मंगदी रही है मेरा अल्लाह इंशाल्लाह पानी मंगे मैं बिरा नु पानी देवा ओ बखर आलिया सात मुहर्रम आई ते दीगर दा टाइम आई आलिया बखरे खैमत लगी गई है सर तू चादर ला के आदि अल्लाह शबीर दे मुखे मेले पासे फिरे रो रो के आदाई होना